अभी आपने इन भाई साहब लोगों को देखा, टैटू टैटू चिल्ला रहे हैं। गोवा का कलंगुट बीच बहुत अच्छा है, लेकिन स्कैम बहुत ज़्यादा है। आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। यह एक ऐसा बीच है, सुंदरता तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एंड मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा गोवा के इस कलंगुट बीच पर, जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीच है, क्योंकि नॉर्थ गोवा में बागा एंड कलंगुट बीच आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उस स्कैम के बारे में भी चर्चा करूंगा जो कि शुरू में दिखाया, और साथ ही साथ फेमस बॉस्को शह की तरफ ले चल रहा हूं आपको, जहां पे आपको विदेशी टूरिस्ट दिखते हैं। तो आपको इंटर करते ही लेफ्ट साइड चल देना है, जैसे कि मैं चल रहा हूँ। इस बीच की एक विशेष बात यह है कि आप इस बीच पर पैदल चल के आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सैंड इतनी ज़्यादा नहीं है और प्लेन सैंड है, जिससे आसानी से चला जा सकता है। तो चलिए अब धीरे धीरे बॉस्को शह की तरफ चलता हूँ और आपको उस स्कैम के बारे में भी बताता हूँ। तो आपने सुना होगा स्कैम इन गोवा, स्कैम इन कलंगुट बीच, स्कैम इन गोवा बीच, स्कैम इन गोवा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि वो शुरू में चिल्ला रहा था टैटू बनवा लो, इनके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये लोग बोलेंगे सर 10 रुपये इंच, 20 रुपये इंच, आपको लालच ऐसे दिया जाता है। तो आपको अपना माइंड यूज करना है सिंपली, कि अगर कोई आपको रोड पे आके चिल्ला रहा है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब होगा, इसीलिए वो रोड पर आके चिल्ला रहा है। जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो दुकान के अंदर बैठा हुआ है। तो ये लोग स्कैम कैसे करते हैं, टैटू स्कैम इन गोवा कैसे करते हैं, इनका जो मेजरिंग टेप है वो इनके 1 इंच का भी नहीं होता है। सबसे सिंपल सा यही है, आपको यहाँ पे आप जाओगे कि 100-200 रुपये में बन जाएगा टैटू, लेकिन कम से कम 2000 से 3000 रुपये आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पूरा गैंग रहता है। तो इसलिए जब आपको टैटू बनवाना है तो ये सबसे बड़ा स्कैम है गोवा का। आप एक बड़ी शॉप में जाओ, वहाँ पर बनवाओ, और जो स्कैम करने वाले हैं वो लोकल पीपल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि लोकल गोवन है, बिल्कुल लोकल गोवन बहुत अच्छे हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, यहाँ से आके ये लोग स्कैम करते हैं, कोई महाराष्ट्र से। तो आप लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना है। अब मैं पहुँचने वाला हूँ कहाँ पर, फेमस बॉस्को शह की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे आपको इंडियन टूरिस्ट लगभग ना के बराबर दिखेंगे। अब यहाँ से आपको विदेशी टूरिस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गोवा में अगर बात की जाए फेमस प्लेसेज इन गोवा, विजिटिंग प्लेसेज इन गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज इन गोवा, बेस्ट बीच इन गोवा, बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीच इन गोवा, और गोवा का लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर वीडियोज हैं, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। ये आप देख सकते हैं, मैं पहुंच गया फेमस बॉस्को शह के, जो कि विदेशी टूरिस्ट के लिए फेमस है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये देखो, ये महिला तो बिना ब्रा के ही लेटी हुई है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ से और सावधान रहना, यहाँ के जो होटल ओनर है ना, और लोकल गाइड नहीं बोल सकते, मतलब होटल में काम करने वाले बेटर, उनसे थोड़ा सावधान रहना। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं तो वो लोग पैसे की खातिर बोलते हैं वीडियो मत बनाओ, वीडियो बना लिया पैसा निकालो, ये है वो है। तो बागा एंड कलंगुट बीच में ये ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग इन चीज़ों से सावधान रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।